क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका उर्दू पीरियड है। इस पीरियड में आप सब उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू में आज पढ़ेंगे सबक चार। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज सबक चार पढ़ेंगे, ईद मुबारक। आज आपको सबक चार में पढ़ना है ईद मुबारक। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने सबक तीन पढ़ा था। सबक तीन में आप लोगों ने ईमानदार किसान और हमदर्द हमसाया के बारे में पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबक को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और इसके सवालात को आप लोगों ने अपनी फेयर की कॉपी में भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम सब पढ़ेंगे सबक चार। सबक चार का उनवान है ईद मुबारक। ठीक है, ईद यानी खुशी होता है। ईद का माने होता है खुशी। जब हम मुसलमान रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं, तो 30 दिन के बाद जब ये रोजा खत्म हो जाता है, ये सब इबादत खत्म हो जाते हैं, तरावी की नमाज खत्म हो जाती है, उस खुशी में हम मुसलमान जो हैं वो ईद का त्योहार मनाते हैं, ईद का पर्व मनाते हैं, यानी कि खुशी। ईद का मतलब होता है खुशी। ठीक है, उस दिन हम लोग खुश होकर, हम लोग 30 दिन जो रोजा रखते हैं, 30 दिन इबादत जो करते हैं वो खत्म होता है, तो उससे हम लोग खुश होकर के ईद का त्योहार मनाते हैं, ईद का पर्व हम लोग मनाते हैं। ईद के दिन ईद की नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवैया खाते हैं, शीरनी खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सबक चार, ईद मुबारक। ये एक नज़म है स्टूडेंट्स। ईद बहुत ही धूम से आई, ईद बहुत ही धूम से आई, बाजारों में रौनक लाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बच्चे अपने घर से निकले। जब ईद आती है तो बाजारों में रौनक आ जाती है, चारों तरफ रौनक छा जाता है, कहीं कपड़े बिकते हैं, कहीं सेवैया बिकती हैं, सारे बाजार में रौनक छा जाते हैं, लोगों का चहल पहल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ईद के दिन सभी अच्छे अच्छे और नया कपड़े पहनते हैं। ओके स्टूडेंट, झिलमिल करते झेझे करते कपड़े गोटे और ठेले के, झिलमिल करते झेझे करते कपड़े गोटे और ठेले के, ईद मिलन को पहुंचे घर घर, कितने खुश थे वह सब मिलकर, फिरनी और मिठाई खाई, फिरनी और मिठाई खाई, मीठी मीठी ईद मनाई, मिले बच्चों को ईदी के पैसे, मिले बच्चों को ईदी के पैसे, आज खिलौने खूब खरीदे, जाकर बाग में झूला झूले, जाकर बाग में झूला झूले, दुनिया की सब बातें भूले, सबने दिल से ईद मनाई, सबने दिल से ईद मनाई, और हमारी ईद न आई, तुम जो नहीं थे पास हमारे, तुम जो नहीं थे पास हमारे, दिल भर आया गम के मारे, मेरी सहेली मेरी प्यारी, मेरी सहेली मेरी प्यारी, तुमको मुबारक ईद तुम्हारी, हम तो जब भी तुमको देखें, हम तो जब भी तुमको देखें, ईद इस दिन की हम समझे, ईद उसी दिन की हम समझे। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका सबक चार ईद मुबारक। इसमें बताया गया है कि ईद बहुत ही धूमधाम से आती है, बाजारों में रौनक लेकर आती है, और सभी लोग जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ईद के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, झिलमिल करते झेझे करते कपड़े गोटे और ठेले के, ईद मिलन को पहुंचे घर घर, कितने खुश थे वह सब मिलकर। ठीक है, ईद के दिन लोग घर घर जाते हैं, घूमते हैं और सबसे गले मिलते हैं, सब भेदभाव छोड़कर, अपना मन का दुख छोड़ के, लोगों से सब कुछ भूल करके लोग जाके सबके घर में गले मिलते हैं, खुशी मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे लहरदार और चमकदार कपड़े पहनते हैं, सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे होते हैं ना। फिरनी और मिठाई खाई, मीठी मीठी ईद मनाई, ईद के दिन फिरनी मिठाई खाते हैं, ईद के दिन मीठी मीठी ईद मनाई, यानी अच्छी अच्छी ईद मनाई, मिले बच्चों को ईदी के पैसे, मिले बच्चों को ईदी के पैसे, आज खिलौने खूब खरीदे,
बच्चे को ईदी में ईद के दिन पैसे मिलते हैं, ईदी यानी ईद की खुशी में मिलने वाले पैसे जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे बच्चों को ईद के दिन पैसा देते हैं, ठीक है। उससे बच्चे क्या करते हैं, उस ईदी के पैसे से खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जाकर बाग में झूला झूले, दुनिया की सब बातें भूले, ठीक है। बच्चे जाकर बाग में झूला झूलते हैं और दुनिया की सब बातें भूल जाते हैं उस दिन, सब दुख सुख सब भूल जाते हैं उस दिन, बहुत खुश होते हैं। सबने दिल से ईद मनाई और हमारी ईद न आई, सबने दिल से तो ईद मनाई बट हमारी ईद न आई, क्यों। तुम जो नहीं थे पास हमारे, दिल भर आया गम के मारे, मेरी सहेली मेरी प्यारी तुमको मुबारक ईद तुम्हारी। इसकी जो सहेली है वो इसके पास नहीं है, उससे दूर है, तो बोल रहा है कि सबकी तो ईद आई लेकिन मेरी ईद नहीं आई, क्योंकि जो मेरी सहेली है वो मेरे पास नहीं है, वो हमसे दूर है, इसलिए वो थोड़ा मायूस हो रही है। बोल रही है कि मेरी सहेली मेरी प्यारी तुमको मुबारक ईद तुम्हारी, उसको यहीं से वो ईद मुबारक भेज रही है। जो लोग दूर रहते हैं वो हम लोग यहीं से ईद मुबारक भेजते हैं। हम तो जब भी तुमको देखें ईद उसी दिन की हम समझे, हम तो जब भी तुमको देखें ईद उसी दिन की हम समझे, जिस दिन हम तुम्हें देखेंगे उसी दिन हमारी ईद होगी, उसी दिन हमारी खुशी होगी। जब हम अपने सहेली से मिलते हैं, अपने जब दोस्त से मिलते हैं, उस दिन हम बहुत खुश रह जाते हैं, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो जिस दिन हमारी सहेली नहीं है ईद में, तो मुझे खुशी कोई खुशी नहीं मालूम हो रहा है, ठीक है। जिस दिन मेरी सहेली आएगी उस दिन मेरी खुशी होगी और उसी दिन मेरी ईद होगी, इसमें बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग इस नज़म को आप लोग पढ़ना सीखेंगे और इसे ज़बानी याद करेंगे। तो आपको कैसा लगा बच्चों ये नज़म, ईद मुबारक। आप सभी को भी ईद का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, सब बच्चे ईद के दिन बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको नए नए कपड़ा पहनने को मिलता है, घूमने को मिलता है और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को मिलती हैं और बड़े लोगों से ईदी के पैसे भी मिलते हैं, इसलिए बच्चे बहुत खुश रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका उर्दू क्लास, और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके मश्क को पूरा करेंगे, इसके सवालात और जवाबात को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपका उर्दू क्लास ओवर करती हूँ। बाय।